सरकार हाय 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 कोई नहीं जी, असीं डंडे खाण नूं तैयार हां, खा के घर नूं आ जांगे, कोई गल नहीं। कुछ विरोधी काले कानून रद्द, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार वालों लागू किए गए खेती कानूनों लैके किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष हुण दिल्ली ते हल्ला बोलण लई तैयार होया है। 26-27 नूं दिल्ली दे उत्ते जिहड़ी हैगी आ हल्ला बोलण दी तैयारी किसानां वल्लों कीती गई आ। अज रोपड़ विखे जिहड़ी मीटिंग कीती गई आ कि रोपड़ तों किन्ने किसानां दा जत्था दिल्ली दे लई रवाना होणा, गल करदे आ। सर, अज जिहड़ी मीटिंग होई है, की कुछ जिहड़ा तय कीता गया 26-27 नूं लैके? 26-27 तरीक नूं जिहड़ा तय कीता गया, जिहड़े साडे लीडर खड़े आ, आड़ती लीडर हैं, सियाने लीडर हैं मंगत साहब, तां कि असी 24 तरीक नूं दोबारा मीटिंग रखी आ। इन्हां ने दोबारा उरे बुलाए आ बई जिहड़ा असी शंभू वैरियल ते जाणा, पहलां फतेहगढ़ साहब कट्ठे होण दा विचार बणिया है। इस करके असी हुण पहलां 24 तरीक नूं इत्थे इन्हां ने कट्ठ रख्या है, उरे कट्ठे हो के क्या ड्यूटियां लाउंदे आ, उहदे बाद असी कट्ठे हो के फतेहगढ़ साहब पहुँचना है। उते फिर 26 तरीक नूं 12 बजे असी शंभू वैरियल ते पहुँचना है। जो गाहां दी भी लड़ाई होई, जह जी तेज़ होई, ठंडी होई, वह जिकना साडे आका सानू हुक्म करनगे, वह उकना लड़ाई होऊंगी। जिकना सानू पिछे ते कहिंदे हुंदे फौज नूं, फौजियां नूं अपना अफसर हुक्म दिंदा हुंदा है, वह साडे अफसर हैं, सियाणे खड़े हैं, जिकना सानू हुक्म करूंगे उकना फौज लड़ाई लड़ूंगी। पानी दियां तोपां भी तैयार आ ते वैरीगेटर भी तैयार आ, बॉर्डर सील किए गए हरियाणा वालों भी, दिल्ली वालों भी, किवें अगे पहुँचे जाना, कर की रणनीति हैगी है? चलो, पानी दियां तोपां तां अगे भी बजुर्ग हैं, ये अज थानी झलदे ही आए हैं, तो असी भी चलांगे, कोई गल नहीं। पानी बंदियां पर चलना है, इन्हां ने किसी डंगरां पर तो मारना नहीं है, पीने तो इन्हां ने देना नहीं, गंदा पानी दिंदे आ पीण वास्ते, तो ये लोगों पर पानी सुट्टण वास्ते है, लोगों की बेड़ी गर्क करने वास्ते आ। किन्ना क पानी गेर लूँगे, किन्नी क नहर वढ़ लूँगे उधर नूं, ये अभी तो ये कहने भी आ, देखो बिजली आ सानू तो दित्ती भी आ, कोले वाली बिजली दिल्ली नूं जांदी आ, दूई बिजली, इस करके असी इन्हां दा मतलब पूरा विरोध करांगे, डट के करांगे, चाहे सानू जो मर्जी करना पवे। किन्नी देर वास्ते घरों जा रहे तैयारी करके? खुली तैयारी है जी, जा थानी साडे मुखिया साडे नाल है, जा थानी खुली तैयारी है जी, पूरे कपड़े है बैग दे विच पाए। बिल्कुल, की नाम तुहाडा? अमरजीत सिंह जी। किदां दी तैयारियां पिंडां चों, किहो जिहड़ा हैगा, किस तरह जिहड़ा हैगा राशन पानी लेके जा रहे हो? राशन पानी फुल है जी, पिंडां चों फुल तैयारी है जी, कोई घट नहीं हैगी, फुल ऐन पूरे फुल तैयारी है, ट्रालियां भरियां खड़ियां जी राशन दियां, कोई चक्कर नहीं हैगा, सब कुछ पूरा है जी। ते अगे जे पुलिस नाल मुठभेड़ हुंदी, अगे नहीं जाण दित्ता जांदा, फिर किदां दी तैयारी है? ओह कोई नहीं जी, असीं डंडे खाण नूं तैयार हां, खा के घर नूं आ जांगे, कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुंदा है, कोई रौला नहीं, सानूं इस चीज़ का डर नहीं हैगा, कोई भी डंडे जिन्ने मर्जी मार लैन, पुलिस कोई चक्कर नहीं। सर, की नाम जी? मेजर सिंह मांगट, जिला प्रधान आड़ती एसोसीएशन रूपनगर। ये सारे आड़ती भाईचारा थोड़ा? हाँ, ये सारे मेरे आड़ती भाई ने, नायब सिंह प्रधान ते नाल बाकी सारे मैंबर आए ने अज दी मीटिंग दे विच, ते असीं सारे इकट्ठे हो के उदण 25 तरीक नूं जिहड़ा इत्थों चाले पाउणे आ 26-27 दिल्ली वास्ते, उहदे नाल सारे असीं जावांगे। जिवें कहिंदे कि आड़ती ते किसान दा 9 मास दा रिश्ता, ते अज पूरा 9 मास दा रिश्ता जिहड़ा निभाया जा रिहा, अज भी निभाया जा रहा, अज कल्ला नहीं है निभाया जा रहा, पहला भी निभाते चले आए असं, अज तक साढ़े किसी भी किसान के नाल आपस में ही मतभेद नहीं है, बहुत भाईचारक सांझ है। कल अज कोई किसान ने अपनी बच्ची का रिश्ता करना, बच्चे का करना, तो वह साड़ी राय लेंदा, अपने परिवारक मैंबर की या रिश्तेदार की राय नहीं लेंदा। जे सानू भी कोई काम हुंदा तो असीं भी पहला किसान की राय लेंदे हां, तां कि जिहड़ा असीं एक दूजे दा भरोसा जिहड़ा साडा बणिया होया ये इसे तरीके नाल बणिया रहूगा। जिहड़ा राशन पानी दा किस तरह कितें बनाउण दा, खाण पीण दा, रात जातां कट्टण दा, वह किस तरह तैयारी करके जा रहे फिलहाल? असीं जिहड़ा राशन पानी लैके जाना है, ये ब्लाक लैवल ते इकट्ठे होवांगे, इक क्योंकि उत्थे इकट्ठ बहुत वड्डा हो जाणा, उत्थे वड्डे इकट्ठ नूं सांभण दी या खाण पीण दा जिहड़ा हैगा प्रबंध है, ये करना औखा हो जांदा। असीं ब्लाक पद्धर ते राशन इकट्ठा करांगे, जिथे साडियां 20-25-30 ट्रालियां जाणगियां आदमियों दियां, ते उहदे नाल साडा एक ट्राली राशन की जाऊगी, तो एक ट्राली बर्तना की जाऊगी, तो नाल ही एक पानी का टैंकर भी जाऊगा, ता कि उत्थे साडे किसी भी किसान नूं, किसी भी आड़ती नूं या छोटे व्यापारी नूं उत्थे कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो जिवें कि सरकार वल्लों पहलां तैयारियां कीतियां, बॉर्डर रोके गए आ, तो किवें फिर दाखिल होया जाऊगा या उत्थे धरना लाया जाऊगा? असीं इकट्ठे हो के पहलां तां उत्थे एंटर होने की कोशिश करांगे,
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਪੜ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, 26-27 ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਦਾ NRI TV।